हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। चाहे वो सैलरी हो, पे स्केल हो, पावर हो, प्रमोशन हो, वर्कलोड हो, क्या इसका प्रोज है, कौन सा है, इन सभी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि WO, ये जो है आपका ग्रुप बी का पोस्ट है और ये गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। एक लौता ऐसा पोस्ट जो कि गैजेटेड पोस्ट होता है। एसएससी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ WO ही है जो कि गैजेटेड होता है। ये जो है आपको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अंडर में आता है, ठीक है। मेन काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी होते हैं, इन सभी सेक्टर का आपको ऑडिट का आपका मेन काम होता है। और जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होंगे तो आपके अंडर में 4 से 10 लोग पीपल जो होते हैं वो आपके अंडर में काम करेंगे और आप उनका हेड के रूप में आप काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं जॉब प्रोफाइल पे। तो देखिए, सबसे पहले तो बात आप जान लीजिए कि द ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस मिनिस्टर, इन सभी का आपका ऑडिट का काम होता है। ये टोटली जो है वो आपको ऑफिस और डेस्क जॉब होता है, ठीक है। और सम टाइम्स आपको जो है फील्ड में काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क भी होता है इसमें कुछ कुछ टाइम पे, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो है 95% जो है आपको ऑफिस और डेस्कटॉप जॉब ही होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन दे वर्क इन द ऑफिस दे नीड टू हैंडल टैक्सेशन, अकाउंट रिपोर्ट्स, ETC, बट इन द फील्ड जॉब बेसिकली फोकस इज ऑन ऑडिट, क्रॉस चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट, ETC, ठीक है। सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो ऑफिस का जो ऑफिस टाइमिंग है वो आपको 9 से 5 का है, ठीक है। एंड WO ऑफिसर मीट्स अ लॉट ऑफ पीपल डेली, और इस जॉब के दौरान जो है आप बहुत लोगों से हर दिन आपको आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि ये बोलते हैं कि सर WO का जॉब करते हुए क्या मैं अदर फर्दर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग होता है वो 9 से 5:30 शाम तक का टाइम होता है और उसके बाद आप फ्री होते हैं। जिस तरीके से बैंक में होता है सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी आपको होता है, ठीक है, WO में। अगर हम लोग बात करें सैलरी के स्ट्रक्चर के बारे में तो सैलरी इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए, इसमें जो पे स्केल है वो आपको 9300 से लेकर 34800 तक का है। इसमें ग्रेड पे जो है वो 4800 का होता है। बाकी सभी पोस्ट एसएससी में जो होते हैं वो 4600 के हो गए, 2400 हो गए, 2800 हो गए, लेकिन इस सबसे ज्यादा ग्रेड पे का एकमात्र जो है पोस्ट है वो आपको WO है 4800। आपको टोटल बेसिक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो सैलरी है वो आपको 18150 है। DA जो है वो आपको 21599 के आसपास है। आपको हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलता है जो कि 5445 के आसपास मिलता है, और ये आपको XYZ इस तरीके के सिटीज पे मिलता है। जैसे कि अगर आप X सिटीज में है तो वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा, Y में है थोड़ा कम, Z में है तो और कम, इस हिसाब से। आपको इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है जो कि 1600 के आसपास होता है। DA ऑन TA जो होता है वो आपको 1904 होता है, और टोटल जो ग्रॉस सैलरी आता है आपको विदाउट डिडक्शन वो आपको 60,000 प्लस है इन हैंड सैलरी, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस पोस्ट को अगर आप एक बार क्लियर कर लिए तो आप 60,000 आपके आसपास आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए, इसमें प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पे होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एसएससी सीजीएल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कैरियर ग्रोथ पाथ प्रमोशन क्या है। तो फर्स्ट प्रमोशन जो आपको मिलता है उसमें आप बनेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर टू ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, जो आप इस पोस्ट से रिक्रूट होंगे और बाद में चलकर आप ऑडिट ऑफिसर सिर्फ बन जाएंगे। जैसे कि अदर में होता है कि जैसे कि अगर आप सब इंस्पेक्टर है तो बाद में आप इंस्पेक्टर बनते हैं, उसी तरीके से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं तो आपके आगे से असिस्टेंट हट जाएगा और आप जो है ऑडिट ऑफिसर बन जाएंगे। और उसको बनने के बाद आपका ग्रेड पे हो जाएगा 5400 के आसपास, जो कि पहले आपका 4800 है, यानी 600 ग्रेड पे आपका बढ़ जाएगा। पे स्केल वही रहेगा 9300 से लेकर 34800 के आसपास, और जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वो आपको 6 से 10 साल के अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्स्ट प्रमोशन। सेकंड प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन के द्वारा आप बन जाएंगे ऑडिट ऑफिसर से सीनियर ऑडिट ऑफिसर,
ठीक है, इसका भी ग्रेड पे 5400 है, और जो बेसिक पे है वो आपका बढ़ के हो जाएगा 15600 के आसपास और 39100 के आसपास, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और ड्यूरेशन ऑफ प्रमोशन जो होता है उसमें जो है आपको 2 से 4 साल लगते हैं फर्स्ट प्रमोशन के बाद, यानी फर्स्ट प्रमोशन आपको अगर मान के चलिए 8 साल के बाद मिला तो उसके 4 साल के बाद आपको जो है सेकेंड प्रमोशन मिलता है। थर्ड प्रमोशन से आप बनेंगे सीनियर ऑडिट ऑफिसर से डिप्टी अकाउंटेंट जनरल बनेंगे, जिसका ग्रेड पे आपका 6600 होगा, जो कि आप समझ सकते हैं सीधे 1200 आपका इंक्रीज हो जाएगा। पे स्केल वही रहेगा 1500-600 के आस से लेकर 39100 के। फोर्थ प्रमोशन के द्वारा आप बन जाएंगे डिप्टी अकाउंटेंट जनरल से आप सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल, और आपका ग्रेड पे होगा 7600। अब आप समझिए कि इस ग्रेड पे पे आपका इन हैंड सैलरी जो है मिनिमम जो है 1,20,000 के प्लस में ही होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है, मतलब फुल्ली रॉयलिटी से भरा पूरा ये जॉब है फुल्ली। इसीलिए जो भी प्रेफरेंस डाला गया है, जब से WO का पोस्ट इंक्लूड हुआ है CGL में, तब से 85% एक डाटा के अनुसार जो है हर लोगों का पहला प्रेफरेंस WO होता है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा इंसेंटिव सैलरी है कि जिससे सारे एस्पिरेंट्स उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस को डालते हैं। कुछ इसमें प्रोज हैं वो जान लीजिए, क्या इसके एडवांटेज है। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब थ्रू SSC CGL, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग सैलरी है, सिर्फ इकलौता पोस्ट है जो कि गैजेटेड ऑफिसर आपको बनाएगा। सोशल स्टेटस में होकर क्या है, यू विल बी रिस्पेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स पीपल यू मीट इन डे टू डे लाइफ, यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड व्हेनेवर यू गो टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन ऑडिट। देखिए इसमें क्या है कि आपसे लोग डरेंगे, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो अगर आप एज ए WO पोस्ट से जा रहे हैं तो आपसे लोग थोड़ा भय खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कुछ गलती कर रखा है तो ये लोग तो भाई खोज के निकाल ही लेगा, तो आपसे फियर्ड खाएंगे। वी विल गेट टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स रिगार्डिंग टैक्सेशन अकाउंटेंसी कॉमर्स ETC, ठीक है, आपको कुछ नए नए चीज मिलेंगे अभी तक जो आप नहीं जानते थे। इस दौरान जो है आप वाइल ड्यूरिंग जॉब जो है आप टैक्सेशन से अकाउंटेंसी से कॉमर्स से आपको बहुत चीज जानने को मिलेगा, आप बहुत लोगों से मिलेंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। स्टेबिलिटी जो है वो आपका एकदम फ्रिक्वेंट रहेगा, ट्रांसफर आर नॉट दैट फ्रिक्वेंट एंड यू एंजॉय अ स्टेबल लाइफ, आप स्टेबल लाइफ एंजॉय करेंगे जिस तरीके से बैंक में होता है। आपका जो वर्क लाइफ होगा वो आपका 9:30 से लेकर मैक्सिमम 6 बजे तक का होगा, और ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है इसमें, आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फर्दर आप एग्जाम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इस जॉब को करते हुए। कुछ इसके कॉन्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो ये क्या है कि देखिए, जब आप जो है कि वन हैज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू क्रैक, मोर अबाउट दिस इज गिवन बिलो सेपरेटली। देखिए जो इंटरनल एग्जाम होता है वो एग्जाम को फिर आपको पास करना होगा, जो कि आपका होगा सबऑर्डिनेट ऑडिट और अकाउंट सर्विस के, आपको इस एग्जाम को आपको क्लियर करना होता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बस आपको यही है कि आपको इंटरनली बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर जो है आप जो प्रमोशन है, प्रमोशन आर नॉट दैट फास्ट एंड वन कैन मैनेज ओनली 3-4 प्रमोशंस विच इज वेरी लो फॉर अ ग्रेट पे 4800 पोस्ट। मतलब आपको सिर्फ 3 से 4 प्रमोशन, जैसा कि मैंने आपको 4 प्रमोशन पहले भी बताया है, वही आपको होगा, उसके अलावा ज्यादा प्रमोशन इसमें नहीं है। उसके बाद क्या है कि SSC में जो अदर एग्जाम है उसके लिए सिर्फ जो आपको Tier 1, Tier 2, फिर Tier 3 पेपर देना होता है, इसमें एक एडिशनल पेपर आपको Tier 4 आपको जुट जाएगा, जहां पे आपको जनरल स्टडीज फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का आपको अलग से एग्जाम देना होगा, जिसका 200 मार्क्स होगा। तो इसके लिए आपको अलग से ये चीज पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए बस एक यही इसका डिसएडवांटेज है, बाकी कुछ नहीं है। एलिजिबिलिटी आप जान लीजिए कि क्या आपका एलिजिबिलिटी है। तो आप 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स ऑफ एज, आपके पास बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, बस इतना होना चाहिए। ये इसका मेन क्राइटेरिया है, जो कि अगर आप इसमें हैं तो आप इस पोस्ट को आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे WO से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो हो गए, और जो भी आपके मेरे हिसाब से तो मैंने अपने पूरे डाउट्स आपके क्लियर कर दिया है इस वीडियो में, बाकी इससे अदर इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि WO सबसे ज्यादा हाईली पेड पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, प्रमोशन इसमें 3 से 4 है, आपको 76 ग्रेड पे के साथ आप रिटायरमेंट कर सकते हैं, इसमें जो है वर्किंग लोड बहुत कम होता है, वर्क का जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, सुबह के 9 बजे से लेकर मैक्सिमम 6 बजे तक शाम में,
आप कोई अदर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फर्दर हायर एग्जामिनेशन का, जैसे यूपीएससी हो गया, तो आप इस पोस्ट के द्वारा आप तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो WO ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही रिपोर्टेड एंड बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड बहुत ही हाईली पेड सैलरी आपको जॉब है, ठीक है। तो इस चैनल पे और भी आपको जॉब से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाला भी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना राय और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।